राजहंस गायीचे दूध, शेतकऱ्यांचा श्वास, ग्राहकांचा विश्वास। और हमें अभी इस झगड़े में नहीं पड़ना, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना कि कौन किसका है। मैंने हाँ, ये सच है कि राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए और हम सब मिलकर परिणाम देंगे तो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को हम न्याय दे सकते हैं। ये मनसा मोदी जी की है, लेकिन कार्य प्रणाली का फर्क ये आकलन आपको भी करना होगा, जनता को भी करना होगा। इसलिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी भारत ने की जो अर्थव्यवस्था है उसने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जिनने 250 वर्ष हमको गुलाम रखा, उस ब्रिटेन को ढकेल कर हम आज उसको 6वें नंबर पर ढकेल कर हम 5वें नंबर पर आए हैं। और ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि हम इस जो समय कम है, अभी 2022 से 2030 में 8 साल का ही फर्क है, लेकिन जब हम 8 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर जा सकते हैं तो बचे हुए 8 साल जो 2030 को पूरे होंगे उसमें हम निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर हम बनना चाहते हैं तो उसमें ऐसी ही कार्यप्रणाली जरूरी है जो मोदी जी के नेतृत्व में चलती दिखती है। केंद्रीय मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट 1 महीने में जाना जरूरी है, रात रुकना जरूरी है। अभी मुझे महाराष्ट्र की जिन सीटों पर भेजा है वहां मुझे 2 रात 3 दिन रहना है, 2 रात रुकना कंपलसरी है। और फॉर्मेट जो पार्टी के या जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो बनाते हैं उसका पालना करना जरूरी है। ये इससे मुझे भी सीखने मिलेगा, जानने समझने के लिए मिलेगा, कोई कमियां होंगी तो उन्हें दूर करने का मुझे अवसर मिलेगा। मैं इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा मानता हूँ और अमृत काल के लिए ये यात्रा है। आजादी के 75 वर्ष हमने 15 अगस्त को पूरे कर लिए, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे वो लगभग हमने पूरे कर लिए, लेकिन आने वाले 25 साल की यात्रा जो अमृत काल की यात्रा है उसमें ये प्रवास उस यात्रा का एक पड़ाव है। अमृत सरोवर जैसे सरोवरों को जब मैं देखता हूँ और उसमें भरा हुआ जल जब हमें दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अंत में ये पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हर व्यक्ति को 2024 तक पाइपलाइन के द्वारा 55 लीटर पानी देने का संकल्प मोदी जी का है। राज्य सरकारों को ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन जब एक व्यक्ति के पास 55 लीटर पानी 24 घंटे में होगा तो 50 लीटर उसको उपयोग करके वो ग्रे वाटर बनाकर फेंकेगा। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर समाज जीवन में जागरूकता, उसके प्रयास समानांतर अगर नहीं चले तो हम चुनौतियों का सामना करेंगे जैसे नगरीय क्षेत्रों में करते हैं। तो एक तरफ जब हमें सुविधा मिलती है तो दूसरी तरफ कुछ सामने चुनौतियां भी आती हैं। दोनों के बीच समन्वय बिठाने का काम ऐसे प्रवासों से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।